नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हैं अरुण गोप जी। हम इनसे जानेंगे कि पंचायती राज चुनाव हो रहा है और बिहार राज्य के अंदर भी कई चुनाव हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल के माध्यम से हमको कुछ अपने माध्यम से सुनने का मौका मिल रहा है। पूरे बिहार में नहीं बल्कि 2 सीट पर चुनाव हो रहा है, उपचुनाव तारापुरा और कुशेश्वर, जहाँ दोनों सीट राजद परिवार जीत रही है। राजद से लगातार आप लगे हुए हैं, तारापुर सीट की बात बोले, क्या कैसे आपको लगता है कि तारापुर सीट रही है, जीत रही है राजद? तारापुर देखिए, वर्तमान में सीट इस बार जीत पक्की है, इसलिए तारापुर चुनाव जीत जाएगी राजद परिवार। जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें जानने की इच्छा हो रही है कि आखिरकार कौन जो हैं जो प्रत्याशी हैं फिलहाल वहाँ से। आप बोले कि तारापुर के कौन प्रत्याशी हैं जो लोग जनता जानना चाह रही है आपसे? तारापुर से उम्मीदवार हैं अरुण साह और कुशेश्वर स्थान से हैं गणेश भारती। क्या लगता है, इन दोनों की जीत पक्की है? इन दोनों की जीत 110% पक्की है। राजद के आप कार्यकर्ता हैं, लगातार काम करते हैं, क्या लगता है कि राजद कितना अभी शक्ति है, पावर है जो जीता पाएगी आपके प्रत्याशी को? देखिए, राजद में है जो जनता ने चुन लिया है प्रत्याशी को कि इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है दोनों सीट जीतकर। अच्छा, ये बताइए कि आप हिलसा क्षेत्र से आते हैं, हिलसा प्रखंड कार्यालय में नामांकन का सिलसिला शुरू हो गया, इस पर क्या कहेंगे? नामांकन का सिलसिला है, सब अपने अपने क्षेत्र का, अपने अपने पंचायत का है, जो जनता अपना अपना मुखिया सरपंच वार्ड सब चुनेंगे अपने मत से। क्या लगता है कि वह कैसे उम्मीदवार को आना चाहिए, कैसे लोग चुने कि अच्छे उम्मीदवार? उम्मीदवार लोकप्रिय, शिक्षित, अच्छे उम्मीदवार हो जो अपने पंचायत का विकास कर सकें। आखिरकार कैसे उनका पता चलेगा कि बेहतर हो, काम करें, ये सब? जो क्षेत्र में लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपनी प्रयास कर रहे हैं, जनता के बीच हैं, जनता के बीच गरीब के सेवा भाव कर रहे हैं, उसको उम्मीदवार को चुनना चाहिए।